हेलो एवरीवन, एज आई टोल्ड इन माय फर्स्ट वीडियो कि मैं आपको एक पूरा टेबल बना के प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें ये चैप्टर के सारी इवेंट्स है वो उनके ईयर के साथ होगी, तो मैं आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट ईयर्स एंड इवेंट्स, ईयर और उनके साथ उनकी इवेंट कि जो ईयर में जो भी इवेंट हुई थी वो मैंने एक वर्ड फाइल में बना के आपको प्रोवाइड किया है। आप चाहे तो ये नोट डाउन भी कर सकते हो या तो फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सारी जितने भी इवेंट हैं पूरे चैप्टर्स में वो सब यहाँ पे कवर हो चुकी है, तो ये आपको क्या एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ईजिली रिफर करने में रहेगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। यस्टरडे हमने बैटल ऑफ प्लासी फिनिश किया था, नाउ हम करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डेथ्रॉन मीर जाफर एंड मेड मीर कासम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस दैन मीर जाफर एंड दस बिकम अ ट्री थ्रेट फॉर दी कंपनी। हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब। मीर कासिम टूक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध, so all three of them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declare a war. हमने फर्स्ट ही देखा था कि बंगाल का नवाब है वो मिर्जाफर को बनाया गया था, तो ब्रिटिशर्स ने उनको नवाब बना के उनके पास से अलग अलग तरीके से बहुत सी वेल्थ है वो एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई की। फिर मोर पावर्स गेन करने के लालच में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में से मीर जाफर को निकाल दिया और उनकी जगह पे मीर कासिम को नवाब बनाया बंगाल का। बट थोड़े टाइम हुआ तो मीर कासिम है वो ज़्यादा एम्बिशियस प्रूव हुआ कंपैरेटिवली मीर जाफर, तो फिर कंपनी को ये एक उनमें एक डर आ गया कि ये तो उनसे भी ज़्यादा एम्बिशियस है, तो उन्होंने उनकी वजह से मीर कासिम को भी रिमूव कर दिया और अगेन मिर्ज़ाफ़र को ही नवाब बना दिया। इसकी वजह से ये सिचुएशन हुई। फिर मीर कासिम है वो अवध के नवाब के पास गए और वो टाइम में ही मुग़ल एम्परर थे शाह आलम हैड कम टू अवध और वही टाइम पे अवध में अभी एंटर हुए थे। फिर वो तीनों ने मिल के डिसाइड किया कि ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी अगेंस्ट में कैसे फाइट करें। सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली एंड थस डिक्लेयर अ वॉर। दैट्स व्हाई बैटल ऑफ बक्सर का वॉर है वो डिक्लेयर हुआ। एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 अक्टूबर 1764। प्लीज मार्क दिस लाइन इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। ये जो वॉर है वो फाइट हुई थी उनके बीच में उसमें यूनाइटेड आर्मी है वो हार चुकी थी। थस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल बिहार एंड ओरिसा। प्लीज़ ये भी अंडरलाइन कीजिए। ये था बैटल ऑफ बक्सर, ये भी एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। फिर पहले था बैटल ऑफ प्लासी, वो भी शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है। प्लीज़ ये भी अच्छी तरह से आप रीड करना, पूरी लिखने का इम्पोर्टेंट नहीं है पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो इसमें से। जो भी आपको ऐसा लगे कोई न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, किसी में कोई डेट वगैरह दी है, कोई ईयर्स दिया है, तो वो आप लिख सकते हो। फिर जो ये नाम है मिर्ज़ाफ़र मीर कासिम, कब पहले कौन थे नवाब फिर कौन आए, वो सब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप हाईलाइट भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक एक्सपांशन ऑफ द रूल कंपनी रूल। क्या एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आई मीन द इंग्लिश गवर्नमेंट
passed a regulating act in 1773, according to which the governor of Bengal was made the governor general, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. 1773 में एक regulation act pass किया गया English government through, और according to that जो बंगाल के governor थे उनको governor general बनाया गया, और trade और political activities जो भी थी company related वो directly उनके control में थी. The Mumbai, Madras governor and his council were brought under him. Thus, Warren Hastings became the first governor general of India. Please underline कीजिए, ये MCQ में भी आ सकता है, वन मार्क में भी आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था. वॉरन हास्टिंग. ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वैग. The problem for the East India Company increased because it had to face both the power simultaneously. During that time क्या हुआ कि first मराठा वॉर और second मैसूर वॉर वो दोनों साथ में मिले, और उनकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम है वो अराइज हो गया, क्योंकि उनको एक साथ दोनों को फेस करना था. Cornwallis took over as a governor general after Warren Hastings. Warren Hastings के बाद कौन गवर्नर जनरल बना? Cornwallis. Then during the tenure of Cornwallis, उनके टाइम में the third Mysore war took place with Tipu Sultan. First Maratha war, then second Mysore war. वो हुआ था, Warren Hastings थे तब. फिर Cornwallis आए, उनके टाइम में थर्ड मैसूर वॉर हुआ, और वो टिप्पू सुल्तान के साथ, फेमसली नॉन एज द टाइगर ऑफ द मैसूर. द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट द टिप्पू सुल्तान. फिर ये कंपनी ने क्या किया कि मराठास थे उनके साथ जुट गए, और निज़ाम टू डिफीट द टिप्पू सुल्तान. टिप्पू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी. टिपू सुल्तान था वो उनकी अगेंस्ट में जीत नहीं पाया, और उनको उनकी ट्रीटी वो एक्सेप्ट करनी पड़ी. आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शॉ बिकेम द गवर्नर जनरल. ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन एंड मराठा बिकेम स्ट्रॉन्गर. उनकी जो कॉर्नवालिस था उनके बाद आया सर जॉन शॉ, वो गवर्नर जनरल बने, बट उनकी सम रिजिड पॉलिसीज वगैरह थी, उनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी और मराठा थे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए. सो गवर्नर जनरल वेल्सली हु केम आफ्टर द जॉन शॉ गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया. फॉर दिस वेल्सली इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट अडॉप्टेड अंडर दिस आर एस फॉलो. कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सिस्टम की, वो हमें नीचे दी गई है. फर्स्ट, द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम. दिस आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स. सेकेंड वन कौन सी थी, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर आर्मी और गिव अवे प्रोविंस विद द इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश. थर्ड वन, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेग वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट. फोर्थ वन, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. स्टेट असेंबली की जो भी कमेटी है उसमें एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, और वो स्टेट में अदर फॉरेनर्स एम्प्लॉय नहीं बन सकते, मीन्स उनको उसमें काम नहीं मिल सकता. तो ये पांच टर्म्स एंड कंडीशन थी, और कौन कौन से स्टेट्स रूरल हु एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. निज़ाम, मैसर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर एक्सेट्रा. टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे स्टेट्स जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम थी वो एक्सेप्ट की. This system was like sweet poison. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company.
ये सिस्टम एक स्वीट से पॉइजन जैसी हो गई थी। ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दे वैसली ने क्या किया, दूसरे कितने अलग अलग स्टेट थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपांड कर दिया। गवर्नर जनरल वैसली आस्क टिपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज। उन्होंने टिपू सुल्तान को भी बोला कि इसमें आप इसमें ये सिस्टम जो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वो ज्वाइन करें, बट उन्होंने मना किया। फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम अटैक मैसूर इन 1799। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टिप्पू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। टिप्पू सुल्तान ने मना किया, वो एग्री नहीं हुआ उनकी, इसी वजह से उन्होंने निज़ाम की हेल्प लेके 1799 में मैसूर में अटैक किया, फोर्थ मैसूर वॉर, और उसमें टिप्पू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। आफ्टर वैसली हास्टिंग कैम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल ही वेज अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। हास्टिंग फॉट अ बैटल विथ वेल्सली के बाद हास्टिंग अगेन इंडिया में आया और गवर्नर जनरल बना। उन्होंने नेपाल से वॉर करके उनको भी जीत लिया और जो गुरखास थे उन गुरखास जो लोग थे उनको आर्मी में ज्वाइन कर लिया। फिर पिंडारास के साथ वॉर बैटल किया और उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। In comparison to the earlier Governor General, William Bentinck is known as a liberal Governor General. पहले जितने भी गवर्नर जनरल थे उनकी कंपेयर करें तो विलियम बेंटिंक के वो थोड़ा लिबरल गवर्नर जनरल माना जाता है। बेंटिंक बिलीव दैट द डिससेटिस्फेक्शन इन डिफरेंट स्टेट ड्यू टू इंपेरियलिस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल कुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी यूनिटी, सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हीज डीड। बेंटिंक को ये बिलीव करता था कि डिससेटिस्फेक्शन इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में डिससेटिस्फेक्शन है क्यों, ड्यू टू द इंपेरियलिस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल, उनकी वजह से यूनिटी नहीं आ सकती थी। दैट्स वाई ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड। डलहौजी केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल इन 1848 में गवर्नर जनरल कौन बना इंडिया में, डलहौजी। ही वॉज अ फियर्स इंपेरियलिस्ट। Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialist in India. Dalhousie policy of annexation. Dalhousie ने जो policy adopt की थी वो annexation by war. पहले कौन सा था? By the war. Second one है due to king dying without heir. Third one है annexation on pretext of mismanagement. फोर्थ वन है प्रिटेक्स ऑफ डेप कलेक्शन और टू द एंड अ नेमसेक रूल। फर्स्ट है एनेक्सेशन बाय वॉर, उसमें क्या है कि भी वॉर थ्रू वो अपना है, उसमें पंजाब और पीगू जो अभी लोअर बर्मा हम उनको बोल सकते हैं। फिर किंग, ऐसा कि जिनका कोई मीन सन वगैरह सन ना हो, तो उसमें कौन कौन से थे, तो कि सतारा, जैतपुर, फिर संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत और नागपुर। टोटल 7 ऐसे हैं जहां पे एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर है वो अडॉप्ट हुआ। फिर एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, मींस मिसमैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो वो एक रीज़न था उनकी वजह से वहाँ पे थे, तो वो एक ही है जो अवध। फिर है डेट कलेक्शन, डेट कलेक्ट करते हैं ना उनके प्रिटेक्स में एनेक्सेशन, तो उसमें निज़ाम्स वरद प्रोविंस। और लास्ट वन है टू एंड अ नेमसेक रूल, और ये लास्ट वन है जो अपने सिर्फ नाम से उनकी जो उनके जो रूल है उनका एंड आ जाता है, उसमें एक कर्नाटका और तांजोर। ये पूरा जो चार्ट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और डलहौजी का जो पूरा टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ये भी आप 2 to 3 times एटलीस्ट रीड करना। मैं जो भी आपको बोल रही हूँ जो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट नोट में आने वाला है, प्लीज़ रिफ़र
करना। और ये मत समझना कि ये आप लोगों के लिए वैकेशन टाइम है, ये वैकेशन टाइम नहीं है, क्योंकि ये क्वारंटाइन की वजह से पता नहीं कि स्कूल कब स्टार्ट होगी। तो प्लीज़ आपके पास ये गोल्डन टाइम है कि आप घर पे रह के अच्छी तरह से ज़्यादा कवर कर लो, तो जब स्कूल ओपन होगी तो आपको इतना लोड ना रहे। सो प्लीज़ आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहिए, मीन्स हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे साथ ईजीली ये सब कवर करते जाओ। बिसाइड बींग एन इम्पेरालिस्ट, डलहौसी वॉज ऑल्सो रिफॉर्मिस्ट। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई टू थाने 1853, फर्स्ट रेलवे लाइन कब हुई थी 1853 में, और बिटवीन द मुंबई टू थाने, वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। डलहौसी के टाइम में ये सब न्यू रिफॉर्म्स आए थे। तो फर्स्ट रेलवे लाइन एस्टैब्लिश हुई, वायरलेस सिस्टम हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज। और उन्होंने ये लॉ भी पास किया कि एक तो चाइल्ड मैरिज पे बैन और विडो के रीमैरिज पे भी जो बैन था वो। फिर विद इन 100 ईयर्स फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपांडेड, बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट एंड दिस वॉज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857। जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वहाँ से लेके 100 ईयर्स में, मीन्स 1757 से लेके 100 ईयर्स तक ब्रिटिश रूल्स और उनका एम्पायर दोनों एक्सपांड हो गए थे, बट ये प्रोसेस में इंडिया के जो स्टेट्स थे उन वो सब डिससेटिस्फाइड थे, उनको डिससेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ा और उनकी वजह से ही 1857 में फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मैनिफेस्ट हुआ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। When we evaluate the 100 years of the company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, become merely a country that produced raw material for England and prospective market for goods produced in factories. Bengal exported cotton cloth, rose silk, sugar, jute, muslin, but after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. ये क्या टॉपिक है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, उनकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम पे क्या क्या हुई। हमने चैप्टर से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कौन कौन से टॉपिक किए। हम तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि पहले तो इंडिया आने का सी रूट फाइंड हुआ, फिर ये कंपनी आई, वो कंपनी आई, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर प्लासी का बैटल हुआ, फिर बक्सर बैटल ऑफ बक्स, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, फिर डलहौसी वाला टॉपिक हमने कितना ज़रा पढ़ा कि जो कंपनी थी बाहर की वो यहाँ पर इस्टेब्लिश और उनका कितना कितना एक्सपेंशन हुआ वगैरह, बट उनकी इकोनॉमिकली इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे क्या हुई। वो कंपनी की इकोनॉमिकली इम्पैक्ट भी हुई होगी। व्हेन वी इवेल्यूएट द 100 ईयर्स ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, जब हम ये देखते हैं कि इंडिया में ये कंपनी ने 100 ईयर्स किया, तो वी रियलाइज दैट कि इंडिया विच हैड एन इनएविटेबल पोजिशन इन द वर्ल्ड इन द प्रीवियस सेंचुरी बिकम मैरली अ कंट्री दैट प्रोड्यूस अ रॉ मटेरियल फॉर द इंग्लैंड एंड प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया है वो इनकम्पेरेबल कंट्री था दूसरे कंट्री से, कि वहाँ पे इतने स्पाइसेस वगैरह मिलते थे और सब यहाँ से ले जाते थे। और ये कंपनी जब से इस्टेब्लिश थी और हम पूरे ये 100 साल का सब इवेल्यूट करें, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी पोजिशन क्या थी प्रीवियस सेंचुरी में और अभी क्या हो, मीन्स फिर क्या हो गई थी, कि जो कंट्री सब खुद टोटली कॉटन क्लोथ्स वगैरह जो खुद स्पाइसेस वगैरह खुद प्रोड्यूस करता था वो एक फैक्ट्री में
वर्क मीन्स एक एम्प्लॉय बन गया था. बट आफ्टर ड्यूअल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड. ये बंगाल से हम जो भी कॉटन क्लोथ रोज सिल्क सब एक्सपोर्ट करते थे इतना सारा था, पर ये कंपनी जब एस्टेब्लिश हुई उनकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग फैक्ट्री में काम करने लगे, हमें एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करने लगे थे वो. उनकी वजह से हमारी बंगाल की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो बहुत कम हो गई. द ड्यूअल पावर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल. ड्यूअल पावर पॉलिसी मीन्स द्विमुखी शासन फर्स्ट टाइम बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था. वेयर बाय द पावर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विद द ब्रिटिश वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल्स वेलफेयर वॉज विद द नवाब. Thus, the British got the power without any responsibility and Nawab had the responsibility without any power. उनकी वजह से क्या हुआ था, ये जो ड्यूअल पावर पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई उनकी वजह से क्या हुआ था कि ब्रिटिश के पास बहुत से पावर थे बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और नवाब के पास उनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट एक भी पावर नहीं था. दिस वॉज नॉन एज अ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली. इनको सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम से जाना जाता है जिसने बंगाल की टोटली सारी इकोनॉमिकली उनको पूरा खराब कर दिया, मीन्स रूइन द बंगाल इकोनॉमिकली. द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेट द इंडिया पीजेंट अ डेटर. ये जो अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी थी जो कंपनी थ्रू बनाई गई थी, उन्होंने इंडिया को एक डेटर बना दिया. मीन्स उनके मीन्स कि हमारे ऊपर बहुत सी डेट हो गई, हमें उनके अंडर में आ गए और हमारे पे उनका कितना सारा डेट हो गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्स ऑन इंडियन क्लोथ्स इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री थी उनके ऊपर अनफेयर टैक्सेस इम्पोज कर दिए, मीन्स एक्स्ट्रा टैक्सेस और ज़्यादा टैक्सेस ले रहे थे. दे अडोप्टेड वेरियस डिसीटफुल प्रैक्टिस टू रून द प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कोलैप्स. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जो भी प्रॉस्पेरिटीज थी उनको पूरी तरह से रून करना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने पूरी डिसिटफुल टाइप की प्रैक्टिसेस थी वो अडॉप्ट की थी. द इंडियन आर्टिसन बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉय. इंडिया के जो लोग थे जिसमें कितना आर्ट था वो सब गरीब और अनएम्प्लॉय हो चुके. जो खुद सब प्रोड्यूस करते थे वो आज खुद पुअर और अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे ड्यू टू दिस दैट कंपनी. द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वेवर ऑफ सॉरी वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डिफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ द क्लॉथ इन शॉर्ट पीरियड. इफ द वेवर्स रिफ्यूज ही वुड बी पनिश्ड बाय बींग लैश और जेल. कंपनी ट्रेडर्स ने क्या किया कि जो भी वीवर्स थे उनको फोर्स किया, उन लोगों को जो कि भी ये जो लोग क्लोथ्स मटेरियल वगैरह बनाते थे उनको कि भी इतने शॉर्ट पीरियड में आपको हमें ये क्वांटिटी में क्लॉथ्स कैसे भी करके प्रोवाइड करना है एट एनी हाउ एनी कॉस्ट. अगर वो वेवर से वो अगर रिफ्यूज़ आई मीन मना करे तो वो लोग उनको जेल वगैरह की पनिशमेंट देते थे. बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस बट अंडर द कंपनी रूल द बिकेम इंडिपेंडेंट सॉरी बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर. कंपनी इंडिया में आई उनसे पहले इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस. इंडिया के विलेज बहुत समृद्ध और डिपेंड मीन्स इंडिपेंडेंट थे बट अंडर द कंपनी रूल जब से वो कंपनी के अंडर में आए तब से वो एक डिपेंडेंट और पुअर बन चुके थे. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन द मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट इन पोर्ट इन मुंबई मद्रास एंड कलकत्ता ऑल्सो टुक प्लेस. ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम उनके रूलिंग के टाइम में फर्स्ट रेलवे बिटवीन द मुंबई एंड थाने, फिर स्टीमर सर्विस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में,
और मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये तीन जगह पे पोर्ट्स डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका था। ये हमने देखी इकोनॉमिकली इम्पैक्ट ये कंपनी की कौन कौन सी थी हमारे इंडिया पे। अब हम देखते हैं सोशल इम्पैक्ट कौन कौन सी है। स्टार्टिंग में हमने बहुत सा देखा कि ये वॉर हुआ, वो वॉर हुआ, बट उनकी एक्चुअल में कितने सारे इफेक्ट हमारे पे हुई थी वो हम पूरी सिचुएशन इवेल्यूएट करें तो हमें पता चल सकता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कौन कौन सी थी, अभी हम देख रहे हैं कि सोशल इम्पैक्ट कौन कौन सी थी। During the British administration, the spirit of the freedom of speech and to develop among people due to the development of newspaper. In Indian society, certain wrong social custom, rites, rituals were prevalent during this time, like sati system, female infanticides, child marriage, etc. Raja Ram Mohan Roy, Durga Garam Mehta, बहरामजी मलबारी एक्सेट्रा वर द स्टारवर्ड्स हुज रोल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द लॉ पास विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। ये फर्स्ट पेरा में हम देखें तो सोशल इम्पैक्ट हमारे इंडिया में अच्छी हुई थी कि जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जब रूलिंग यहाँ पे था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो टाइम में क्या था कि इंडिया के जो लोग थे उसमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर थॉट डेवलप वगैरह का डेवलपमेंट, फिर न्यूज़पेपर्स का डेवलपमेंट हुआ था जी। फिर इंडियन सोसाइटी में कौन कितने सारे रॉन्ग कस्टम, सोशल कस्टम्स, राइट्स वगैरह थे, जैसे कि सती सिस्टम, मीन्स अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उनके पीछे उनकी वाइफ को भी सती हो जाना था। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, दैट मीन्स कि अगर कहीं पे कोई गर्ल है, गर्ल बेबी बॉर्न हुआ है तो उनको एट दैट टाइम ही उनकी डेथ कर दी जाती है वो पूरे मिल्क में डुबो के। फिर चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, ये कितने सारे जो सोशल कस्टम्स है जो रॉन्ग थे वो सब राजा राम मोहन राय, फिर दुर्गा राय मेहता और बहरामजी मलबारी ने इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प ले के ये सब जो थे वो दूर कर दिए और लो पास किए थे, उसमें भी ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके। तो ये सोशल इम्पैक्ट हमारे लिए अच्छी थी। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंक्लाइड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर द पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हुआ तो इंडिया में इंग्लिश का नॉलेज होने की ऐसे पीपल की डिमांड राइज हुई, तो उनकी वजह से उनको इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट होने लगा। तो ड्यू टू लॉर्ड मैकलपी एंड वेयर्स एज रिकमेंडेड बाय द चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। तो चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन से इंग्लिश यूनिवर्सिटी मुंबई, मद्रास और कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड हुई। तो हम कंपेयर करें तो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है हमारे पे बहुत ख़राब हुई थी, पर सोशल इम्पैक्ट पॉजिटिव थी। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड्स फॉर द सोशल रिफॉर्म्स एंड गेव मोमेंटम टू प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। ऐसे इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड होने से, उनको नॉलेज बढ़ने से इंडिया के जो भी लोग थे, जो पीपल थे, उसमें ये सब नॉलेज आने लगी और उनकी वजह से उन लोगों को ये भी सोशल रिफॉर्म्स और उनकी रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस थी उनके लिए वो पूरे ग्रुप ने डिमांड्स की। तो ये थी हमारी सोशल इम्पैक्ट कि जो भी रॉन्ग सोशल कस्टम्स वगैरह थे वो दूर किए गए, फिर इंग्लिश एजुकेशन था वो प्रोवाइड होने लगा और वो न्यूज़पेपर्स वगैरह स्टार्ट हुए, उनकी वजह से हमारे इंडिया के जो लोग थे उन लोगों में वो नॉलेज है वो इंक्रीज हुआ, अपने राइट्स के लिए वो लड़ सके, इतना उन लोगों को थॉट डेवलपमेंट्स वगैरह सब हुआ। फिर है कंक्लूजन, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया बींग अलर्ट बाई द प्रॉस्पेरिटी एंड द ट्रेड अपॉर्चुनिटी। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड बैड रिजल्ट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चर फील्ड। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड रिफॉर्म द मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। कंपनी ने कैसी पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि भी इंग्लैंड को प्रॉस्परेट करना है और वो भी एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, और वो रिफॉर्म्स लाए गए एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू, बट एक्चुअली फाइनली उसमें से कितने सारे ये इनडायरेक्टली तो ये बेनिफिशियली
प्रूव हुआ इंडिया के लिए। वो करना चाहते थे कि एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया इंग्लैंड को अच्छा प्रॉस्परस बनाए, बट एट द एंड इनडायरेक्टली प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द इंडिया। तो हमने ये पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक देखा, तो कितने सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए। ब्रिटिशर्स ने मीन्स वास्को द गामा ने सी रूट फाइंड किया, हमारा इंडिया इनकम्पेरेबल था अदर कंट्री से, इतना प्रॉस्परस था, वहाँ से लेके तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट कंपनीज़ की, ये सब हमने देखा। प्लीज़ 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 मैं आपको बोल रही हूँ, पूरा चैप्टर एक बार रिफ़र कर लेना। अगर आपको वीडियोस में कोई बात समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट थ्रू डाउट आप पूछ सकते हो, और वीडियो पोज कर से अगेन आप एक बार वीडियो देखो तो आपको 100% सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु ऑल आर इन 9th स्टैंडर्ड्स, बिकॉज उनको भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सब स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो सब के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।